दोस्तों नमस्कार, नीर की बात में स्वागत है आपका। कल 27 जुलाई है दोस्तों, और कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है 27 जुलाई की सुबह राम कथा का मंगलाचरण होगा। कहाँ पर होगा ये बताता हूँ मैं आपको, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी खुशी होगी और बड़ा गर्व महसूस होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शांति समाधान करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति के लिए हर देश जहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कल मोरारी बापू की राम कथा विराजमान हो रही है। और ये हर भारतीय के लिए, हर एक उस राम बापू के फ्लावर के लिए तो है ही, हर हिंदुस्तानी के लिए ये इतना बेहतरीन अवसर है कि यूएनओ में राम कथा विराजमान हो रही है। हालांकि बापू कई बार विदेशों में कथा कर चुके हैं, कई बार अमेरिका में भी कथा कर चुके हैं, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत क्षण होगा जब राम कथा यूएनओ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में विराजमान होगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 1893 की याद दिलाना चाहता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका में और विश्व धर्म सम्मेलन था, उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को एकदम कमतर आंका जा रहा था पूरी दुनिया की नज़र से। उस समय भारत की स्थिति बहुत अलग थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने दो शब्दों के उद्बोधन से, केवल दो शब्द बोले थे उन्होंने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, केवल ये शब्द बोले, शिकागो का जो वो हॉल था पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और न सिर्फ गूंज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शिकागो का वो हॉल, एक एक व्यक्ति उसमें खड़ा हुआ विवेकानंद के सम्मान में। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत से आया हुआ एक ऋषि, एक संत, और जिसके पास ना बहुत अच्छा ड्रेसिंग था, जिसके पास ना बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था। विवेकानंद ने वहाँ रुके और कई संघर्ष के दिन भी गुजारे उन्होंने जब वो शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में गए थे, लेकिन उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये शब्द बोले और पूरा अमेरिका के पूरे दर्शक, जो विश्व के कई समुदाय से, कई धर्मों से आए हुए थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने वो इतने रोमांचित हो गए इन शब्दों को सुनकर। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब 9 दिन तक ये राम कथा गूंजेगी और हमारे पूज्य मोरारी बापू हमेशा कहेंगे मेरे भाइयों और बहनों। और बाबा तुलसीदास जी का जो ये अद्भुत ग्रंथ है, ये जो विश्व ग्रंथ है, जो वैश्विक ग्रंथ है और अंतिम लिखित ग्रंथ है रामचरितमानस, वो यूएनओ को हेडक्वार्टर में जाएगा और वहाँ से सत्य, प्रेम और करुणा की जो आध्यात्मिक ऊर्जा बहेगी, पूरे देश में वो शांति का प्रचार करेगी, पूरे देश में वो शांति का प्रसार करेगी। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतना रोमांच हो रहा है इस कथा को लेकर। और बापू ने जब कहा था, जब बापू ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि यूएनओ में हमारी कथा होने वाली है, तो घोषणा कर दो बापू ने व्यासपीठ से, तब से लेकर आज तक का इंतजार था। और जब 27 जुलाई को सुबह सूर्योदय होगा न्यूयॉर्क में और हमारी भगवान कथा का मंगलाचरण होगा, तो समझ ही मुझे बाबा तुलसीदास जी की वो चौपाइया याद आ गई, संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के लिए कहते हैं कि रामचरितमानस संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये जो बाबा तुलसीदास जी की पंक्तियां है बालकांड की, ये चरितार्थ होगी कल, ये पंक्तियां चरितार्थ होगी। और कई जगह बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरे विश्व रूप का दर्शन कराया है। और हमारे बापू भी कल जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष विश्व रूप का दर्शन कराएंगे। और इसमें एक बहुत अच्छी बात जो सुनने को मिली है दोस्तों हमारे को, वो ये है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग होता है, कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सदुपयोग होगा कि ये रामकथा बापू की ही आवाज़ में, बापू के ही अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अंग्रेजी में भी प्रसारित होगी। मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा समझने वाले हैं वो लोग भी इस कथा का आनंद ले सकेंगे। तो यूएनओ की इस राम कथा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, हम इंतजार करते हैं कल 27 जुलाई का। और हमारे बापू की व्यासपीठ की यात्रा तलगाजड़ा के एक छोटे से गाँव से शुरू हुई थी,
सन 1960 के दशक में, और उस पोथी ने कई देशों की यात्राएं करी, कई तीर्थों की यात्राएं करी, कई आध्यात्मिक जगहों की यात्राएं करी, कई जगह व्यासपीठ विराजमान हुई और हर जगह से एक ही संदेश निकला, सत्य प्रेम और करुणा। और वो संदेश आज यूएनओ के हेडक्वार्टर तक पहुंचा है। मतलब कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ही विलक्षण बात है, बहुत ही अद्भुत बात है, जो 940वीं रामकथा विराजमान होगी कल यूएनओ के हेडक्वार्टर पे न्यूयॉर्क में, और पूरे विश्व को सत्य प्रेम करुणा का जो संदेश जाएगा पूज्य बापू का, अपने आप में एक अद्भुत घटना होने जा रही है दोस्तों। कल तो कल तक का इंतज़ार कीजिए 27 तारीख को। इस कथा को किसी को मिस नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हर उस व्यक्ति को ये कथा ज़रूर देखनी चाहिए, हर उस श्रोता को, हर उस भाई बहन को, हर उस फ्लावर को ये कथा ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस कथा का संदेश बड़ा विलक्षण होगा, बड़ा निराला होगा, बड़ा स्पेशल होगा। तो आइए, हम सब इंतज़ार करते हैं उस कथा का। जय सियाराम।